क्या किसी सीन के बाद अब संभोग की बारी है। फिल्में पाने की होड़ में जो है आने वाले समय में जो है ये भी संभव हो सकता है कि संभोग एक आम सी चीज बन के रह जाए। नमस्कार, परविंदर के पिटारे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्मों में किसिंग सीन को लेकर कि किसिंग सीन कब से प्रचलित हुए और कब तक चलेंगे। क्या किसिंग सीन के बाद अब संभोग की बारी है। क्या अभिनेता और अभिनेत्री फिल्मों में संभोग करेंगे। फिल्में पाने की होड़ में जो है आने वाले समय में जो है ये भी संभव हो सकता है कि संभोग एक आम सी चीज बन के रह जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसिंग सीन कब से शुरू हुआ। आप सोचेंगे कुछ ही सालों पहले जो है ये सीन शुरू हुए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। 1933 में जो है देविका रानी और हिमांशु राय ने जो किसिंग सीन तकरीबन 4 से 5 मिनट का दिया था, फिल्म थी कर्मा, उसमें आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में डब किया गया था। बहुत आलोचना हुई, बहुत कंट्रोवर्सी हुई और इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि फिल्म को हम रिलीज करें, मगर कर्मा फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रिलीज नहीं होने दिया और वो डिब्बा बंद हो गई। धीरे धीरे समय की चाल बदली और इस सीन का प्रचलन जो है फिल्मों में एक आम सी बात हो गई। इमरान हाशमी जो आज के किसिंग स्टार कहे जाते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ फिल्मों में किसके सीन दिए हैं। कलाकारों की बात करें तो अनिल कपूर, सैफ अली खान, आमिर खान, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, आदित्य राय कपूर, ऋतिक रोशन और बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने फिल्म में लिप ब्लॉक यानी कि किसिंग सीन को करने से परहेज नहीं किया। अभिनेत्रियों में बात आई तो सबसे पहले बात आएगी करिश्मा कपूर, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, जैकी फर्नांडिस, आलिया भट्ट, पूजा बेदी, जिन्होंने जो जीता वही सिकंदर में किस देकर जो है बहुत चर्चा बटोरी थी, और माधुरी दीक्षित का दयावान फिल्म में विनोद खन्ना के साथ जो है किसिंग सीन बहुत चर्चा में रहा। आज हर अभिनेत्री जो है किस सीन देने से गुरेज नहीं करती। आपको याद होगा राजा हिंदुस्तानी में करीना कपूर और आमिर खान का किस सीन के बाद से ही प्रेम शुरू होता है। तो ये किस सीन जो है बहुत आम सी बात फिल्मों में हो गई है। क्या आने वाले समय में अभिनेता और अभिनेत्री काम की होड़ में क्या संभोग करते भी दिखेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए और देखना ना भूलिए परविंदर का पिटारा। नमस्कार, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।